चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की समकालीन भारत सेकंड के नाम से, जो आपकी बुक से, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें आपके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। छठवां चैप्टर है, आज हम लोग बात करेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में। याद रखिए आप लोग, अगर सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग समय रहते हुए एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इन्हें आपको पढ़ना ही है, तो क्यों ना ही पहले ही पढ़ लिया जाए। और आपकी जो भी जरूरी है आपके लिए, कई बच्चे पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी पढ़नी है, तो वो सभी हमने टेलीग्राम पर डाल दी, वहां से डाउनलोड करते रहिए आप लोग, ठीक है। कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके। कक्षा 10वीं की एक बुक्स लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से, जो आपकी बुक्स है, उसे भी कवर कर चुके हैं। और ये समकालीन भारत सेकंड है। इसके बाद हम लोग पूरी 12th तक आपकी, यानी कि 12वीं तक की सभी बुक्स जो आपके लिए जरूरी है, उन्हें कवर करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे, यानी कि मिट्टी के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। आप लोग याद रखिए, जो भी आपकी एनसीईआरटी है वो इतनी साधारण शब्दों में लिखी गई, सरल शब्दों में, कि एक से दोबारा आप लोग पढ़ेंगे कंप्लीट आपकी समझ में आ जाएगा, आपका भी इस बन जाएगा। बड़ी कहानी का रूप देकर आपको समझाया गया है इनको, तो ज्यादा टेंशन मत लेना है आपको, बस धैर्य के साथ इन्हें पढ़ना है। आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा इसमें, अगर अच्छे से पढ़ते हैं, जो समझ में ना आए, बस आपको धैर्य रख के पढ़ना है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह इस्पात लोहे अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है? क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? उद्योग का मतलब सीधा आप लोग लिख सकते हैं कि एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, जहां आप देखेंगे कि जैसे फसल, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए गन्ने को, ले लीजिए गन्ने को किस में रखेंगे आप लोग? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखेंगे? जहां इसका चीनी में बदला जा रहा होगा, उसे आप लोग उद्योग कह देते हैं। उद्योग धंधा लगा हुआ है, उद्योग लगा हुआ है, समझ रहे? द्वितीयक कर्मों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। याद रखिए, कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और आप सोचिए उससे कि जो भी गेहूं होता है, अगर उससे ब्रेड बनाए जा रहे हैं या बिस्किट बनाए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, जैसे गन्ने से आपकी चीनी बनाई जा रही है, लकड़ी से, लकड़ी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगी, और उसका जो उससे आपका कागज बनाया जाएगा वो आपका रहेगा द्वितीयक क्षेत्र में। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से। विनिर्माण का महत्व की बात करें तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर किसी पर हमारी निर्भरता को भी कम करता है। आप लोग देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र आपके देश में अगर पिछड़ने का कारण है, तो द्वितीय क्षेत्र पर हम लोगों ने ज्यादा बल नहीं दिया और डायरेक्ट हम लोग तृतीय क्षेत्र पर पहुंच गए। तो एक क्रम होता है, पहले आप लोग केजी, फिर आजकल तो आप देख रहे हैं केजी, फिर उसके बाद देखते हैं यूकेजी, फिर 1 क्लास में, फिर 2 क्लास में, इस तरह जाएंगी तो एक आपका बेस बनता जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र से
द्वितीय क्षेत्र में कम ही जोड़ दिया और डायरेक्ट तृतीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इसलिए रोजगार हमारे यहाँ ज्यादा कुछ पैदा ही नहीं हो पाए। समझ रहे हैं कि मतलब अगर उद्योग धंधे चल रहे हो तो आप सोचिए हर तरह से रोजगार मिलेंगे। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विकार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेश वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध वैश्विक औद्योगिक विकास में निहित है। यहाँ आपको बता दूं कि देखिए आप लोग कृषि पर किनको काम करते हुए देखते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है एक तरह से। मान लीजिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खेती नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अधिकतर निरक्षर जो जनता है हमारी वही खेती के कामों में लगी रहती है और सेवाओं के कामों में वो लगी रहती है जो काफी हद तक अच्छे से पढ़ी लिखी है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है यानी कि मध्यम जनसंख्या है उसे उद्योगों में लगना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं उद्योगों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरा, याद रखिए कि कोई भी देश विकसित तभी होता है। अब जापान को ले लीजिए, जापान के पास कच्चा माल नहीं है वहां, लेकिन फिर भी विकसित है क्योंकि आपने देखा है कच्चा माल वो अन्य देशों से आयात करता है, उसके बाद उसे विकसित करके यानी कि उसे उपयोग मूल्यवान तैयार माल में बदल कर यानी कि उनका निर्माण करके। जैसे आप ले सकते हैं कि उन्होंने क्या मंगाया, आपके यहां से 1 किलो कच्चा लोहा मंगाया, ठीक है, उन्होंने वहां जाके क्या किया कि आप सोचिए कि चाकुओं में बदल कर, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, चाकू बदल दिए, कीलों में आप सोचिए कि मतलब छोटे छोटे पुर्जे बनाकर आपको भेज दिए। अब वो बहुत से बहुत 25 रुपए का कच्चा लोहा होगा, उसे बना दिया 1000 रुपए में बदल दिया। तो यही तो तकनीकी है, एक तरह से आप बिजनेस कह लीजिए चाहे से। इसीलिए आप देखते हैं कि जापान सबसे विकसित देशों में है और सोचिए कि 2 बार परमाणु हमला भी झेल चुका है 1945 में, फिर भी आप सोचिए कि कहाँ पहुंच चुका है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई, यानी कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भर ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यहाँ कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप देखिए कि देखिए उदाहरण कोई भी हो बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उदाहरण कहीं से भी उठाइए, बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए किसी भी चैप्टर को। यहाँ एक सरल सा उदाहरण आप ले लीजिए मोबाइल का। देखिए चाइनीज फोन आपके यहाँ अगर 5 फोन बिक रहे हैं तो उसमें से 4 फोन चाइनीज रहते हैं। अब आप अपने यहाँ मोबाइल का उत्पादन करेंगे, मोबाइल बनाएंगे, तो आप सोचिए अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और महंगा होगा तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। आपका मोबाइल 10,000 का है मान लीजिए और क्वालिटी भी उसमें अच्छी नहीं है, वही चाइनीज फोन आपका 5,000 का मिल रहा है, फीचर्स भी अच्छे हैं उसमें, तो आदमी उसे ही खरीदेगा। एक समय के लिए देशभक्ति ठीक रहती है कि आप सोचे 10 दिन 15 दिन आप देखते हैं कि हर तरह से देशभक्ति चलती है, लेकिन हर आदमी देशभक्ति करने लायक इस तरह से देशभक्ति करने लायक नहीं है कि वो महंगा सामान खरीदे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ गरीबी है, ठीक है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो वो देशभक्ति नहीं दिखा सकते इन कामों में। समझ रहे हैं आप लोग कि अपने देश की चीजें खरीदें। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से
तरह प्रतिशत ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस, विद्युत, ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है हमारे देश में। अब बात करते हैं औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना संभव स्वभावता जटिल है यानी कि कठिन है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, सैमिक पूंजी शक्ति के साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। आपकी याद रखिए, कच्चे माल की उपलब्धता हो गया, सैमिक हो गया यानी कि श्रम करने वाली, पूंजी, शक्ति, साधन, ये किसी भी उद्योग के आधार स्तंभ होते हैं। यानी कि इनके बिना आप सोचेंगे कि उद्योग को चला ले जाए तो मुश्किल है, ठीक है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है, क्योंकि आप देखते हैं जहां कच्चा माल है वहां पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा है तो वहां सैमिक सस्ती श्रम शक्ति नहीं है। तो इन तीनों चारों को आप सोचिए कि एक ही स्थानों पर सभी कारकों को लाना बहुत मुश्किल रहता है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या फिर उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, सैमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योगों नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा उद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नए नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से घिरे थे। ये आप देख रहे हो दो बाजार संबंध। निवेश, कच्चा माल अथवा उसके घटक, उत्पादन हो गया, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, अवसंरचना, ये सभी आपके समझ रहे हैं उत्पादक घटक हो गए, इनमें शामिल किया जाए। परिवहन, कारखाना, तैयार माल, उत्पाद, परिवहन, फिर बाजार तक इसकी पहुंच, पूंजी, इस तरह से एक चक चल रहा है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्माण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। याद रखिए, उद्योगों के तहत अगर उद्योगों के अनुकूल वहां आपका आदर्श दशाएं नहीं है तो आप सोचिए कोई भी कंपनी आपके देश में नहीं आएगी। आप ही अपने आप को ले लीजिए कि आप उद्योग धंधा कोई भी करना चाहेंगे तो कहाँ करना चाहेंगे, जहां आपको सभी तरह की सुविधाएं हो, जहां आपको ग्राहक भी मिल सकते हो, सस्ती श्रम शक्ति भी मिल सकती हो। समझ रहे हैं आप लोग, वही तो करेंगे ना धंधा, ऐसी जगह तो करेंगे नहीं कि जहां कोसों कोसों दूर पानी नहीं है, दूर दूर से आपको कच्चा माल ले आना पड़ रहा है। मालूम चला कि जितना कमाई नहीं हो रही उससे ज्यादा आपकी उसमें जाय हो रहा है, मतलब लग रहा है। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति की बात करें तो उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, ये सभी आपकी उद्योग की आदर्श अवस्थिति होती है। उद्योगों का अगर हम लोग वर्गीकरण करें यानी कि नए कितने भागों में बांट सकते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची में बनाए, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब,
वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां आदि हैं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उपयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बात करें तो कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित अगर उद्योग की बात करें तो इसमें लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन इसमें शामिल है आपके। अगर हम लोग प्रमुख भूमिका के आधार पर बात करें तो इसमें आपको उद्योग देखने को मिलेंगे आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा पिघलन, एल्यूमिनियम पिघलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे आपका चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं पूंजी निवेश के आधार पर अगर बात करें तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार किया गया है। अगर स्वामित्व के आधार पर हम लोग बात करें उद्योगों की तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन पर जो भेल है इस पर सरकार का कब्जा रहेगा, यानी कि सरकार ही निर्णय लेगी। जो लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उन पर किसी खास व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है। फिर आप देख सकते हैं संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं कि जैसे आप सोचिए कि सरकार का भी योगदान है उसमें और किसी खास व्यक्ति आप समूह का भी देख सकते हैं उसका भी अगर योगदान है। जैसे आप किसी भी चीज को ले लीजिए, अगर आप सरकार के साथ पार्टनर हो जाते हैं उसमें आपका सरकार का कुछ हिस्सा है और आपका कुछ हिस्सा है, यानी कि मान लीजिए 51% सरकार का हो गया, 49% आपका हो गया, तो आप दोनों पार्टनर हो गए। ठीक है। सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, सेवकों या फिर दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग इस तरह के सहकारी उद्योग हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर बात करें तो भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उपकरण उद्योग आपका शामिल है। अब बात करते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योगों की। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एक बात आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश की जो वस्त्र निर्माण था आजादी से पहले इतनी मांग थी कि आप सोचिए कि विदेशों में जो अन्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी हमारे देश के वस्त्रों की यानी कि वस्त्र पहनते थे, इतने मतलब फेमस हुआ करते थे। और आज हम लोग देखिए किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो उस समय हमारे यहाँ या तो कारीगर अच्छे रहे होंगे या वस्त्र अच्छे कारीगर ही अच्छे होंगे जिससे डिजाइन किए जाते होंगे, कि इतने अच्छे फेमस थे कि विदेशी भी अपने कपड़े की मांग रखते थे अपने यहाँ के। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा
बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय कर्मों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा यानी कि स्पर्धा नहीं कर पाएंगे पाए। और याद रखिए, आप लोग ही सोचिए कि एक आप अपनी खेती के ले लीजिए, एक अपने छोटे से हम लोग उदाहरण पर बात करेंगे, हम भारी भरकम उदाहरण को कभी ही नहीं लेंगे इसमें। आप ले लीजिए कि आपका पड़ोसी है और आप हैं, दोनों का एक एक खेत है। आप क्या करते हैं, आपके अपने खेत में बैल से जुताई करते हैं, हल बैल से, और वो क्या करता है कि ट्रैक्टर से जुताई कर देता है। यानी कि वो आधुनिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी सामान है, यानी कि फिर चाहे आपका ट्रैक्टर है या और इस तरह के कोई उपकरण है जो बहुत जल्दी जुताई कर देता है, तो आप सोचिए कि कौन आगे रहेगा। आप बैल से जुताई करेंगे, उस खेत को जोतने में 2 से 3 दिन लगेंगे, उसे ट्रैक्टर आपका 1 से 2 घंटे में आराम से जोत कर रख देगा। इसी तरह आप ले सकते हैं कि उसे सिंचाई करने के लिए वो नए नए पंप सेट ले आए, और आप वही पुराने जमाने का करगट नहीं देखते थे कि मतलब बैलों से चलता था, उससे सिंचाई कर रहे हैं, तो कौन आगे रहेगा? वो आगे रहेगा, आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसी तरह आप ले सकते हैं वस्तुओं में, क्या होता है कि कपड़ा बनाने में आप सोचिए कि एक मशीन लगी हुई है, वो 1 घंटे में 10 सेट बना के फेंक दे रही है, वही आप लोग अगर खुद बना रहे हैं सेट, उसकी डिजाइन कर रहे हैं, तो 1 दिन में हो सकता है 2 दिन में 1 सेट बने, तो क्या आप लोग उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? और याद रखिए, उनका सस्ता है, उनका जो कपड़ा है सस्ता मिलेगा बाजार में, और आपका महंगा, तो कौन खरीदेगा आपका? कोई नहीं, तो इससे आप लोग पिछड़ जाएंगे। यही हमारा हुआ देश का। रेशम उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई कताई सूत, बुनाई कपड़ा, रंगाई व परिष्कृत वस्त्र गारमेंट, वस्त्र विनिर्माण, इन इस जैसे इस तरह के आप लोग पॉइंट भी याद रख लिया करिएगा, कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कई बार आपके वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। कब? 1854 में। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़ों की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता और श्रम नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि क्षेत्र का निकट संबंध और किसकों और कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को यह जीविका यानी कि रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रासायनिक रंजक मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला यानी कम क्वालिटी वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों और विद्युत कर्घों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। भारत जापान को सूत का निर्यात भी करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के आयातक देशों की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि जो आपके यहाँ के सूती वस्त्र हैं उन्हें हम लोग इन देशों को बेचते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण भी है। यह कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है।
हमारे यहाँ कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिक छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसका परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम लोग कच्चा माल एक तरह से निर्यात कर देते हैं, वहां से आपका वो बदल देते हैं उसे दूसरे सामानों में, उन्हें हम लोग आयात कर लेते हैं। धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती जाती है। कहने का मतलब आप लोग इस यहाँ छोड़िए, दूध का ले लीजिए आप लोग। दूध का क्या रहता है कि आप सोचिए कि अगर आप घर से बेचते हैं तो कितने का बिकेगा, 30 रुपये, 30-35 रुपये का। और उसे ही आप लोग अगर सोचिए कि आप लोग दुकान पर बैठ के ले जाते हैं, सजा देते हैं दुकान और डेयरी खोल देते हैं तो वहां 40 से 45 आराम से बिकेगा। उसे आप सोचिए कि आपने दही में बदल दिया या फिर आपने पनीर में बदल दिया या फिर आपने खोया में बदल दिया या फिर आपने घी में बदल दिया तो वो महंगा होता जाएगा। इसी तरह आप लोग सोचिए कच्चा माल आप जब बेचते हैं इस बहुत सस्ता बिकता है और आप सोचिए कि इन्हें आप लोग अगर बदल के उद्योग में उद्योग करके या इनका औद्योगिक काम करके कई नए उपयोग लायक सामान बनाकर अगर बेचें तो ये यही जो आपका 85 रुपये किलो धागा था ये कई रुपये ज्यादा बिकेगा, ठीक है, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यद्यपि भी लंबे रेसे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषता बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उद्योग की आवश्यकता, अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि शामिल। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अब आपके जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर, तो 28 राज्य बच चुके हैं आपके और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आप देख रहे होंगे काले, ये वर्धा जैसे जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, ये सभी सूती वस्त्र के केंद्र हैं। आगरा, मुर्शिदाबाद, हुगली, हावड़ा, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, वो जो जो आप लोग लाल रंग देख रहा होगा रेड, ये आपके ऊनी वस्त्रों के केंद्र हैं जैसे बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, शाहजहांपुर, गुरुग्राम, पानीपत, ठीक है, इस तरह से देखते रहिए। और जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये आपके रेशम वस्त्र उद्योग हैं, बांकुरा, बाकी ऊपर जाएंगे श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, ठीक है, यहाँ आपके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है, पीओके वाली इससे हमारा इससे सीमा लगती है, ये आपका चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपका श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं पटसन उद्योग के बारे में। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। सन 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मिथिला में स्थित थे सभी। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में ही रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात जिसे आज आप लोग बांग्लादेश कहते हैं इसमें चली गई। आप सोचिए कि आपके पास मिले, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उद्योग जहां कारखाने हैं वो तो आपके पास रह गए, लेकिन जहां उत्पादन होता था 3/4 हिस्सा वो बांग्लादेश में रह गए, जिसे हम लोग पूर्व पाकिस्तान भी, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था।
लेकिन इसे 1971 में आपने देखा है कि इसे आजाद करा दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण थे। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन की जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में पिचुजल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। आप सोचिए, यही तो मैन हमें चाहिए किसी उद्योग धंधे को लगाने के लिए। ये आप एक तरह से कह सकते हैं यही तो आधार स्तंभ है इनके उद्योग के, समझ रहे हैं आप? तो जो परिस्थितियां अगर अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति वहीं करेगा ना रोजगार, यानी कि इस तरह के उद्योग। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि भी पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादक के लिए अवसर प्रदान किए हैं। अब आपसे कहा नहीं जाता है कि आप लोग पॉलीथन का यूज करने की बजाय अपने घर से जूट का थैला ले जाए, ठीक है? चीनी उद्योग। भारत का चीनी चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ बाग खांडसारी के उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादन में तो हम लोग विश्व में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि गुड़ है जो खांडसारी है, इसके उत्पादन में हम लोग पहले स्थान पर हैं। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी तथा अतः सरकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? एक बात और हमेशा याद रखिए कि इसके लिए बहुत बेहतर मतलब एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप सोचिए, गन्ने को जितने जल्दी से जल्दी अगर इससे रस निकाल लिया जाए तो बेहतर रहता है। इसलिए कहा जाता है ना कि बहुत जल्दी से बदलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, या मतलब फुर्तीला काम होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि एक ट्रक है उसमें गन्ना भर के लाया जाता है और जहां गन्ने की खेती होती है उसी के आसपास इस तरह की इकाई लगाई जाती है, उद्योग इकाई, क्योंकि आप जानते हैं कि गन्ने को जितने दिन तक आप रखेंगे उतना ही रस इसमें से कम होता जाएगा और इतना ही नुकसान होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गुड़ अगर बनाया जाता है तो खेत के पास ही अपनी एक तरह से मतलब वो अपना उद्योग की तरह काम कर लेते हैं उसे बदलने के लिए, ठीक है? वहीं आपका लगा लेते हैं उद्योग और गुड़ में बदल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फायदा भी होता है कि रस ना उड़ेगा, मतलब रस भी कम नहीं होगा और बेहतर फायदा भी हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इनका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज यानी कि अत्यधिक मात्रा में आप देखेंगे कह सकते हैं रस, जिसमें सुक्रोज शक्कर की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब एक तरह से आप समझिए कि इससे फायदा होता है, सुक्रोज की मात्रा कम होगी तो आप सोचिए उससे क्या फायदा होगा। अपेक्षा के ठंडे ठंडी जल वायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाना ना पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं कि। अब बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? आप देख सकते हैं लोहा और इस्पात उद्योग। खनिज में आप देखते रहिए, चूना पत्थर हो गया, ये इसी में तो आता है, आपका शामिल रहता है, समझ रहे हैं आप?
सर आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी कि बेसिक उद्योग है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी उद्योग को बढ़ावा मिला है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान लोहा का रहा है। आज सोचिए, आप लोग खेती एक समय हुआ करती थी, डंडे से खोद कर खेती की जाती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदलाव हुआ और हल ट्रैक्टरों से अब खेती की जाने लगी, तो लोहे का सबसे ज्यादा उपयोग तो हो रहा है, तो एक तरह से आप कह देते हैं कि ये आधारभूत उद्योग है। क्योंकि जो अन्य सभी भारी हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर ही निर्भर रहते हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को पूरा एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात के भारी उद्योग, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लो एस्क कोकिंग कोल चूना पत्थर का अनुपात लगभग आपका 2:4:2:1 है का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, या याद रखें कि इससे निर्मित माल को बाजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इस समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम हो गई है प्रति व्यक्ति में। ठीक है, याद रखिए, भारत में कुल इस्पात उत्पादन की बात करें तो 2010 में मैट्रिक टन की बात कर रहा हूँ 68.62, और ये आपकी 2016-17 में बढ़कर 101.3 हो गई। और याद रखिए, आर्थिक जो सर्वेक्षण आते हैं उनमें देखते रहिए, समय समय पर बदलती रहती है। इस समय भारत में 10 प्रमुख संकलित उद्योग तथा बहुत छोटे इस्पात संयंत्र हैं। इस्पात निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो कच्चे माल कारखानों तक परिवहन, झोंकदार भट्टी, लोहे अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एवं सहायक खनिज हैं जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, फिर ढलवा लोहा, तरल पदार्थों को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है, और धातु को आकार देना, इस तरह से रोलिंग, पेरिसिंग, ढलाई और गढ़ाई, इस तरह से आपका धातु में बदल लेना। ये आप देख रहे होंगे, ये है लोहा उत्पादक, राउरकेला, भिलाई, बुकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर, दोपुर, विजयनगर, भद्रावती, सेलम आदि। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या फिर निर्धारित अनुपात की मृदु मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश चीन भी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका देश 1947 में आजाद हुआ, चीन 1949 में आजाद हुआ, यानी कि आपके आजादी से 2 वर्ष बाद चीन को आजादी मिलती है, और आज आप देखते हैं कि कई मामलों में हमसे आगे चीन है। तो कुछ तो कमी रही हमारी नीतियों में कि आज हम लोग इसे देख रहे हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग सह केंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां भी हैं।
इनमें लोहे अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग को विशाल संभवता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहे इस्पात उत्पादक देश है, यद्यपि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए। इनमें निम्न कारण है: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिकों उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना आदि शामिल है आपकी। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश से आयात करते हैं। क्या बोला जा रहा है? आयात करते हैं, यानी कि हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं है कि उच्च कोटि का हम लोग इस्पात बना रहे हों। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन किया दिया। इस्पात उद्योग की को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। ये आप देखते हैं भारत चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन 2012 में, देखिए 2012 में चीन है ये आपका भारत 77.3 और यहां देखिए 731 ये आपका उत्पादन टन में है, ठीक है। और 2013 में 81.3 822 या 86.5 822, 2016 में 95.6 808.4। आप समझिए कि जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं कि मतलब चाइना कहाँ है और हम कितने पीछे। कई रैंकिंग अभी आप लोग देख रहे होंगे आती रहती है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हकीकत यही है। अब सच्चाई आप नहीं मानना है तो आप लोग बने रहिए अंधभक्ति में, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग चीन से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। एल्यूमिनियम पिघलन, भारत में एल्यूमिनियम पिघलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक और लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम पिघलन। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमिनियम पिघलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है आपके। ये आपके नालको पिघालक में पट्टीलेप मिल है। पिघालकों में बॉक्साइड का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टानों जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। और प्रभाव चार्ट आपका 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग ये देखेंगे आप लोग, इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं: नियमित ऊर्जा की आपूर्ति और कमी कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता। एक तरह से कह सकते हैं कि इस उद्योग की ये दोनों आधारभूत जरूरतें हैं। यहाँ आप तो देखिए बॉक्साइड कच्चा माल, बॉक्साइड खनन पर परिवहन रेल या फिर समुद्री जहाज से यहाँ पहुंचेगा एलुमिना, बॉक्साइड दलन और एलुमिना गुलन, एलुमिनियम शोधशाला, इसमें प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला से कैल्सियम युक्त पेट्रोलियम कोक कोयला खान से पिच और एल्यूमिनियम पिघालक। एक पिघली धातु को इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। यह आपका विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क के लिए जरूरी होती है। यानी कहने का मतलब है कि 1860 किलोवाट प्रति टन अयस्क के लिए जरूरी रहती है यह आपकी ऊर्जा। अब बात करते हैं रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और फैल भी रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आपकी 3% देखने को मिलेगी। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बेहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं आपकी। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन,
डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल क्षार सोडा एस, कांच साबुन शोधक या फिर अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाली रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है आपकी। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रोलियम शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या फिर पेट्रो रसायन संयंत्रों की समीप स्थापित यानी कि इनकी स्थापना की जाती है इनके यहाँ। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुपयोगों, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बना सकते हैं आप लोग। उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः आपका यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिनमें तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन फास्फेट पोटास शामिल रहते हैं, ये उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित रहते हैं। तीसरा, पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या फिर किसी रूप में प्रयुक्त होने वाले पोटास या फिर पोटासियम यौगिक के भंडार नहीं है और इन्हें आप देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक उपयोग किया जाता है। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया खाद, समझ रहे हैं आप लोग, सुनते रहते हैं। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग आपका 40% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक आपके सामने है। फिर आता है आपका सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट का आवश्यक होता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर हो गया, सिलिका, जिप्सम आदि की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहां से इस खाड़ी की के देशों के बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग की बात करें तो सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का विस्तार प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अभी। अब आपका मोटर गाड़ी उद्योग है। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन होते हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर आप ट्रक देखेंगे, बसें देखेंगे, कारें देखेंगे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तीपहिया और बहु उपयोगी वाहन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मोटर गाड़ी उद्योग में ये सभी बनाए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी और जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि देखने को मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में आप ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूर संचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं इसमें। बेंगलोर भारत का की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। आप लोगों से कई बार पूछ भी लिया जाता है जनरल नॉलेज के लिए कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है, बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई देखने को मिलेगा, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में भी देखने को मिलेंगे। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में देखने को मिलेगा। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण,
यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, वायु, जल, भूमि, ध्वनि। यानी कह सकते हैं कि जो उद्योग हैं चार प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण भी इससे होता है, जल भी और भूमि भी और ध्वनि भी। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी आपका सम्मिलित है। वायु प्रदूषण इसे देख रहे हैं, HCL रूपनगर में केवल निर्माण पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केवल निर्माण, केवल बन रहा। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ में ठोस व द्रव द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूली, स्प्रे, कुहासा, धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंट उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधन शालाएं, पिघलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं और जहरीली गैसों का रिसाव भी बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पशुओं जैसे पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। या आपकी याद रखिए, जो भोपाल गैस त्रासदी की बात की जाती है, यहां से आपको एक सीखने को बात मिलती है कि आप सोचिए कि 1984 की बात है, मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही डेट है ना, 1984 भोपाल गैस त्रासदी। आप सोचिए, जापान में परमाणु हमला हुआ, उसके बाद भी आज आप देखते हैं कि ठीक मतलब स्थिति पे पहुंच चुका है आपका जापान। और हमारे भोपाल को देखिए कि अभी भी आपको देखने को मिलेगा उसका जो प्रभाव, अभी भी वहां देखने को मिलेगा भोपाल के त्रासदी का। याद रखिए, आपकी 2 से 3 दिसंबर 1984 को की रात में हुई थी, ठीक है? याद रखिए भोपाल में। एक क्वेश्चन और इससे बनता रहता है आपका, अक्सर आपने देखा होगा कि और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, इसमें निकलने वाली रिसाव होने वाली गैस कौन सी थी? MIC मिक, या फिर इसे मेथाइल आइसो साई नाइट, मेथाइल आइसो साई नाइट, ठीक है? याद रखना। फिर आप बात करते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कागज, लुगदी, रसायन वस्तु तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग। आपने सुना होगा कि जो चमड़ा उद्योग इकाइयां थी कानपुर में, उसी के कारण सबसे ज्यादा गंगा नदी प्रभावित थी, प्रदूषित थी, तो उससे अब काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट किया गया है। जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण, भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में बाहित होते हैं और भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ में फ्लाई एस, फॉस्फो, जिप्सम और लोहा इस्पात की अशुद्धियां भी जल में मिल जाती हैं, यही आपके जल को प्रदूषित कर देती हैं। या आपके कुछ पॉइंट है, ये क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स जैसे श्रीलंका, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, ए बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई और थिरुवनंतपुरम। फिर आपका है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घरों में से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण जीवन पर इसका प्रभाव देखने को होगा। देखिए, याद रखिए, अब जब आप लोग गर्म ठंडा किए बिना और कारखानों से जो गर्म जल रहेगा उसे छोड़ेंगे तो आप जो जल में जलीय जीव रहते होंगे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनकी भी मृत्यु होगी तो उनसे भी प्रदूषण फैलने को मिलेगा जल में, समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिए, हमारा ही पूरी पृथ्वी पर कब्जा नहीं है, उनका भी योगदान है, उनकी भी जरूरत है, जीव जंतुओं की, उनका भी उतना ही धरती पर हक है जितना कि हमारा है, लेकिन बस हम लालची हैं
और वो बेचारे सीधे साधे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल पेशव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लबड़ तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल का तक पहुंच जाते हैं और जल को भी इस तरह से प्रदूषित कर देते हैं। फिर एक शब्द आप सुनते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, अन्य कायिक व्यवधाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्यों, कारखानों में के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी और विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई औद्योगिक निर्माण कार्य चल रहा हो, फिर या कारखाना हो कोई, या फिर कोई जनरेटर चल रहा हो, या फिर लकड़ी का चीरने का कारखाना हो, तो उस तरफ से जो मतलब भयंकर ध्वनि आती है, या फिर आपका रोड के पास आपका घर है, तो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है और आपको बड़ा गुस्सा टाइप का आने लगता है। समझ रहे हैं? तो एक सीमित होती है हर चीज की। आप सोचिए, पर्यावरण, वायु में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सबकी एक मतलब नियमित मात्रा रखी गई है। अब उसमें हेर फेर होगा तो वो प्रदूषित हो जाएगी, उससे नुकसान होने लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? वही है कि खाना था, सभी प्रोटीन्स वगैरह खनिज लेकर आपको एक अच्छा भोजन खाना था, लेकिन आपने क्या किया कि एक सामान खाते गए और बाकी के कम बिल्कुल कर दिए। प्रोटीन बिल्कुल कम कर दिया, आयरन बिल्कुल कम कर दिया, और आपने बाकी देखेंगे आप लोग कि विटामिन भी पूरी तरह से कम कर दिया, और आप बिना विटामिन सबके खा रहे हैं चीजें, तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। तो ये इसीलिए तो कहा जाता है कि एक सीमित मतलब सभी आपको एक सीमित मात्रा में लेना है, और सीमित मात्रा में गैस में भी, आप सोचिए कि जल में भी एक सीमित मात्रा में सभी खनिज मिले रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि सभी जल में भी सभी खनिज मिले रहते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा है। अब उसमें ज्यादा किसी की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रदूषित हो जाएगा। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना जल स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 लीटर जो जल जा रहा है वो तो खराब हो ही गया, साथ में ये 8 लीटर जल को भी दूषित कर देता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि एक आदमी तो डूबा है किसी तालाब में, वो अपने साथ 8 को और ले डूबा है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जाए, यानी कि इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाए। वही जल की आपूर्ति, आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल यानी कि संग्रहण यानी कि इकट्ठा किया जाए। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन यानी कि उन्हें शुद्ध करके छोड़ा जाए। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में होता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थ की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित रहता है। दूसरा आपका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, तीसरा जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग बनाया जाता है। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां और चिमनियों में इलेक्ट्रो स्टैटिक अवक्षेपण, स्केवर, उपकरण या फिर गैसीय प्रदूषण पदार्थ को जड़तीय रूप में से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल या फिर गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। आपने देखा होगा कि एक समय ट्रेनें हुआ करती थी, वो कोयले से चला करती थी, तो जब वो चालू होती थी, स्पीड पकड़ती थी, तब आप देखते थे कि पूरा बादल काला पड़ जाता था उसके धुएं से। वहीं आज आप देखते हैं डीजल वाली ट्रेनें आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली ट्रेनें आ चुकी हैं, उसमें आपको ना के बराबर धुआं देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे।
ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरण के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना में संयुक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। सतत पोषणीय विकास का सीधा सा मतलब ये हो जाता है कहने का कि आप किसी भी साधन का उतना उपयोग करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी को वो बचा रहे। ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी उससे वंचित हो जाए, आप ही उसका पूरा उपयोग कर लें। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगाया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली प्रमुख निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र भी है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती भी है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपाय द्वारा संभव है: आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा व वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर बस समीक्षा करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना इसमें आपका शामिल है। यह आपका रामागुंडम संयंत्र है, ठीक है। तो इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए और PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से अच्छे से डाउनलोड करके उससे भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और याद, पता है मुझे खुद नहीं पता चलता है कि आप लोगों को आखिर इसमें क्या समझाऊं, क्योंकि इतने सरल शब्द लिखे गए हैं कि इसमें समझाने लायक मुझे खुद नहीं लगता है। और अगर आप किसी शब्द में डाउट हुआ करें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करेगा कि ये समझ में नहीं आया, उसे अलग से मैं समझा सकता हूं। लेकिन आप सोचें कि क्या मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि क्या समझाऊं, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी के क्षेत्र में उतरे हुए State PCS में, तो इतना तो मान लिया जाता है कि आप लोगों को अक्षर तो समझ में आ रहे होंगे, तभी आप लोग इस क्षेत्र में उतरे हुए हो, वरना आप लोग वनडे एग्जाम रटने वाला काम ही करने लगते हैं। तो मुझे लगता है इतने तो आप लोग समझदार हैं। चलिए, तो हम लोग छठवां अध्याय देख चुके हैं, सातवें अध्याय में मिलते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में हम लोग बात करेंगे।